नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पॉलिटी का जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो है द प्रीएम्बल का सेट प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये इसमें हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को डील करेंगे, ठीक है। और जो इसके जिन बच्चों को आपको जो ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को डील करना है, तो आपको जो है अलग प्ले लिस्ट पर उसका वीडियो बना दिया गया है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ये आपका रिविजन पर्पज के लिए बनाया जा रहा वीडियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है और इसका पहला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो वन करेक्ट ऑप्शन में से 7, ऑप्शन नंबर सी डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 2 है एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। तो 2 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 4 है आपका द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया। तो 4 करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 5 का है विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 42nd। 6 है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसीडर्ड ए लैंडमार्क। तो 6 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है इन विच अमेंडमेंट द वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 7 करेक्ट ऑप्शन नंबर 42nd। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोवर्जन सेकुलर चूज द रिस्पांस दैट गिव्स द करेक्ट इन द प्रीएम्बल। तो 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। तो सबसे पहले आपका सोवर्जन, उसका आपका सोशलिस्ट, उसका आपका जो है सेकुलर, उसका लास्ट आपका डेमोक्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलिबोरेटेड इन। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द चैप्टर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। क्वेश्चन में आपका जो है 10 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। तो 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन आपका 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेक्युलर स्टेट। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 12 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक लिबर्टी। क्वेश्चन का 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोशल इक्वलिटी इज ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। तो 14 का राइट ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रिटी। क्वेश्चन का 15 है द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 did not include the terms तो सोशलिस्ट रेगुलर इंटीग्रिटी एंड रिपब्लिक। तो आपका 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 हो जाएगा। तो सोशलिस्ट सेकुलर एंड रिपब्लिक, ठीक है, आपका इंटीग्रिटी नहीं है। क्वेश्चन आपका 16 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो 16 करेक्ट ऑप्शन बी 1, 2, 4, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। इट इज नॉट जस्टिकेबल इन नेचर और इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका जो है सही है और आपका थर्ड आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 17 है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जुलाई 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन आपका 18 है द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन 19 है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सेक्युलर स्टेट दिस मींस दैट। तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजंस एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। क्वेश्चन आपका जो है 20 है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया से इंडिया सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 6, तो कल हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।